नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे साथ श्रीनाथ जी है जो बहुत ही कम उम्र से ही बाइक रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं और उनका खुद का गैराज भी है। चलिए आज जान लेते हैं कैसे एक सक्सेसफुल गैराज रन किया जा सकता है, वो भी कम बजट में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार तो सर, आपके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। जी मैम, हमारा मेरा नाम श्रीनाथ है और सूरत से हूँ मैं। मैंने 2016 में स्टार्ट किया था हमारी जो मैकेनिकल गैरेज की जो जर्नी है वो। तो मैंने 9 मंथ जितना मैंने पहले काम किया था गैरेज में सीखने के लिए, और फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, और फिर यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था मैंने उसी दौरान, एक एक साल के 6 महीना या 1 साल के बीच में। तो अभी आज हमारा गैरेज भी है और स्पेयर पार्ट्स का भी है, और यूट्यूब चैनल भी अच्छा है एजी रॉयल वर्क से। तब तो मतलब मैं पढ़ाई कर रहा था एक बार बार तक, और फिर पापा ने बताया कि आपको, तेरे को मतलब जॉब करना है कि बिजनेस करना है। तो फिर मैंने बोला यार बिजनेस ही करना है। तो फिर 12 तक के बाद सीधा स्टार्ट किया मतलब ये गैरेज का लाइफ सीखने का, और जब तक सीखता था मतलब तब तक पूरा सीखने में ही ध्यान रहता था, और फटाफट सीख के स्टार्ट किया और उसमें ही सीखते गए और आगे बढ़ते गए। ओके सर, तो अभी आप बताइए कि आपका जो बिजनेस है उनका फ्यूचर प्लान क्या है अभी? अभी फ्यूचर प्लान के बारे में बताऊं तो अभी आगे हमें काफी जो बंदे हैं जो कि हमारी यूट्यूब चैनल से आ रहे हैं, काफी लोग इधर ट्रेनिंग भी लेने आते हैं और हमारे पास काम भी करने आते हैं। तो इस टाइप से हमारा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाया जाए इन मैकेनिकल लाइफ के बारे में और बाइक की रिपेयरिंग या सभी चीजों के बारे में, ताकि काफी लोगों को, जितने भी ज्यादा लोगों को इन सब चीजों का नॉलेज मिले जो कि ये सब काम करना चाहते हैं, तो उस पे हमारा फोकस रहेगा। तो जैसे कि आपने बताया कि आप ट्रेनिंग भी देते हो, तो वो क्या प्रोसीड्योर रहेगा, कैसे आपको कांटेक्ट करेंगे लोग? जी मैम, हमारी जो यूट्यूब चैनल पे है वहीं से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफी हमारे साथ जो मैकेनिक है वो हमारे पास आ भी गए हैं। वेस्ट बंगाल से आए थे, राजस्थान से, यूपी से, काफी जगह से हमारे पास आए हैं, और उन लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया है और आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसको हम सोल्व करके देते हैं उसको। तो इसी तरह जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से भी, इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, उस पे भी जुड़ सकते हैं। उसमें भी काफी सारे टेक्निकल वीडियोस हम डालते रहते हैं, ये सब इन सब सोशल मीडिया के जो माध्यम से, उसी पे से ही हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी ओके, तो अभी आप बताइए कि बाइक रिपेयरिंग के लिए कौन से एसेंशियल टूल्स हैं जो कि हर गैराज ओनर के पास होना चाहिए? जी मैम, ऐसे बाइक रिपेयरिंग के लिए तो काफी सारे टूल्स होते हैं जो कि जरूरत चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर आपको एक्सपर्ट मैकेनिक बनना चाहते हो तो पहले तो टूल्स आपको चाहिए ही होता है, क्योंकि टूल्स के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आजकल जो BS6 बाइक आई है और ये जो फेस 1 फेस 2, इसमें जो ODB स्कैनर है, स्कैनिंग है, वो सब चारी, और मल्टी मल्टीमीटर को कैसे यूज करना है हमें, वो चीजें सब, मल्टीमीटर भी होना चाहिए और इसको कैसे यूज करना है वो भी हमें पता रहना चाहिए। तो टूल्स अगर हमारे पास रहेंगे बट उसको कैसे यूज करना है वो अगर हमें नहीं पता है तो वो भी एक प्रॉब्लम होगा। तो टूल्स तो ये सारे सब चाहिए हो गया। इस पे डिपेंड करता है कि आप, आपका गैरेज में आप किस चीज के रिलेटेड ज्यादा काम करते हो। हमारी यहाँ पे गैरेज है, उसमें मल्टीपल ब्रांड की 2 व्हीलर को रिपेयर किया जाता है। तो वैसे ही आपका गैरेज में कौन सी बाइक के वायरिंग का काम ज्यादा करते हो, तो उसमें ये सब वायरिंग के रिलेटेड ये सब आपको टूल चाहिए होता है। इंजन के रिलेटेड अगर आप काम करते हो तो उसमें जो उसका कूलर वगैरह है वो सारी चीजें आपको चाहिए होती है, और इंजन के रिलेटेड जो टूल्स होते हैं वो आपको चाहिए होता है। तो वो भी डिपेंड है कि आप कौन सा काम करते हो अपना गैरेज पे, उसके हिसाब से आपको टूल्स चाहिए होता है। तो सर अभी बताइए कि बाइक रिपेयरिंग वर्कशॉप कैसा करियर ऑप्शन है? बाइक रिपेयरिंग के लिए मेरा तो करियर एक बेस्ट ही रहा है पहले से लेके आज तक। मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इस करियर
इस साइड पे आके मैं सेटिस्फाइड हूँ नहीं हूँ, ऐसा मेरे को पहले से लेके आज तक कभी भी नहीं लगा। और दूसरी बात यह कि आजकल लोग सोचते हैं कि भैया ये हाथ गंदे करने हैं, वो सब ये काम मुझे नहीं करना है, तो वो चीज बिल्कुल गलत है। आप वो काम को किस तरह करते हो वो ज्यादा जरूरी माइंड में। होता है, हाँ हाँ ये जो भी काम है उसको आप कैसे करते हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो बिंदास। जी, तो अगर कोई अगर ठीक से करे तो इसमें कितनी कमाई हो सकती है, मतलब कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है आपके ओपिनियन से, मतलब दिन का जो कमाई होता है तो कितना प्रॉफिटेबल होता है वो? जी मैम, मैंने जब स्टार्ट किया था तब 10 से लेके 15 हजार तक मैं कमाता था, बट आज के हिसाब से आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी से भी इनकम हो जाती है, और उसमें से काफी सारे कस्टमर भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं और हमारे पास काम करवाते हैं, तो उसके हिसाब से हम काफी सारा हमारा ग्रोथ हुआ है। तो आजकल ऐसे लाख लाख 1.5 लाख जैसा आप काम करते रहोगे उसके हिसाब से आपको मिलता जाएगा। जी तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत रहता है, बट उसको अच्छे से अगर आप करते जाओगे काम तो आपका बेटर होता जाएगा। तो सर, आपने YouTube चैनल कब शुरू किए हैं और चैनल का जो रेस्पॉन्स है आपका अभी कैसा आ रहा है? जी मैंने YouTube चैनल 2016 में स्टार्ट किया था और तभी इतना कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, और काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भैया ये क्या कर रहा है, आप वीडियो शूट करते हो ये वो, मतलब बोलते रहते थे सभी लोग, और ऐसे फील कराते थे कि इसमें कुछ है ही नहीं। बट आज के टाइम पे सब लोग बोलते हैं कि भैया तू जो काम कर रहा है वो बेस्ट है और करता रहे आगे ऐसे। जी तो अच्छी फीडबैक है तब। तो अभी आपका जो मतलब चैनल से आपको कितना बिजनेस में फायदा हुआ है? बिजनेस में तो बहुत कुछ फायदा हुआ है चैनल से लेके, क्योंकि काफी सारे कस्टमर हमारे चैनल से जुड़ते हैं, और हम जो चैनल पे सिखाते हैं लोगों को और चैनल पे हम जो काम करते हैं कस्टमर का लाइव, वो देख के कस्टमर सेटिस्फाइड होता है और हमारे पास काम भी करवाने के लिए आता है, और एक बार अगर आता है तो वो बार बार आता है, क्योंकि हम इसको इसी तरह अच्छी सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो बाइक रिपेयरिंग इंटरेस्टेड व्यूअर्स हैं, उनको अपने चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैम, हमारी चैनल का नाम तो जैसे आगे बताया HG रॉयल वर्क यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहीं से जाके आपका जो भी ऑडियंस में से कोई भी सीखना चाहता है या तो फिर इसके बाइक रिपेयरिंग या फिटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहीं से जाके देख सकता है। और स्पेयर पार्ट के रिलेटेड भी हमारा चैनल है HG रॉयल स्पेयर, इसमें हम जेन्युइन पार्ट्स के जो हीरो रॉयल इनफील्ड होंडा के जेन्युइन जो पार्ट्स है उसका अनबॉक्सिंग और विथ प्राइस के साथ जेन्युइन वीडियो बनाते हैं, तो वो भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो ये मतलब आपका आप जो काम कर रहे हो, अभी ट्रेनिंग भी दे रहे हो, आपका जो बिजनेस है वो ग्रो भी कर रहा है। ओके सर, तो धन्यवाद सर आपका स्टोरी हमें शेयर करने के लिए, और टूल्स विला टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू। नमस्कार।